देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम लोगों ने एक नॉर्मल दरवाज़ा जो पहले स्विंग डोर होता था, हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करके एक बिल्कुल सीमलेस जो है स्लाइडिंग डोर में कन्वर्ट किया है। नमस्ते दोस्तों, ईडस इंटीरियर्स चैनल में आपका स्वागत है और हम आज देखने वाले हैं कि स्लाइडिंग डोर दरवाज़ा जो है बाथरूम का, ये आप नॉर्मल जो नॉर्मल स्विंग डोर दरवाज़ा है बाथरूम का, इसमें हम लोग स्लाइडिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये नॉर्मल दरवाज़ा है 6 फुट बाई 3 फुट बाई साढ़े छः फुट का, और इसको हम लोग चेंज करके एक वही दरवाजे को स्लाइडिंग डोर में चेंज करने वाले हैं। हाँ, और आप अगर चैनल में नहीं हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि आपके जो हमारे जो नए वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू कर लेते हैं। हाय, टुडे वी आर लुकिंग एट द टॉप लाइन 80 हैटिक फिटिंग फॉर स्लाइडिंग डोर चैनल, एंड वी गॉट दिस बेसिक चैनल दैट इज गोइंग टू बी फॉर अ स्लाइडिंग डोर। द MRP ऑन दिस रीच एट 4,769 रुपीज, and you also have to additionally buy the channel, and also you would require to purchase the wall bracket. Now we've done a basic unboxing of the channel, and it comes up with a few other components which we've done a basic assembly for. It's got a door stopper, the channel stopper at the end on both sides of the channel. It's got the soft close mechanism which is hooked onto a bracket that is mounted onto the door, so you got two of these brackets, and this is the main mechanism inside the channel, and this is the bracket that goes on top to wedge the door in. And you can see the channel, you get this in two sizes, 2000 and 3000 mm long, and we've got the bottom component which is the stopper at the bottom, it needs to be embedded to the ground. We'll get to this with the insulation bit. You get a basic spanner, some screws and some wall plugs. Along with this you get the instruction manual. Now the soft close mechanism is a preferred choice for this channel, and it is excellent to use for in smaller areas where the capacity of the door is where you do not have a lot of space. As we've taken out the existing door, as you can see here, this was the old door, and we've added two planks or two extensions on three sides that we require. So we did not get rid of the existing door, but we can just work on it. Of course, now this is a raw door, we want to work and finish it with paint. What we've done is we've done a half check here, you can see inside, and we've got a 5-inch screw that goes in, which is tightened in here. So we've got 1, 2, 3 and 4.
Similarly, extension of top, we've got 1, 2, 3. So the dough is nicely wedged, and then we're going to start work on the pelmets, which is here. डोर को स्लाइडिंग बनाने के लिए हम लोगों ने हेटिक टॉप लाइन 80 का चैनल यूज़ किया है, और यही दरवाज़ा को हम लोग प्लान कर रहे हैं एक्सटेंड करने के लिए। इसका एक्सटेंशन लगा के इसको चेंज करने वाले हैं एक स्लाइडिंग दरवाजे में। स्लाइडिंग आप करना चाहते हैं तो आप वही दरवाज़ा यूज़ कर सकते हैं, और स्लाइडिंग के ये बेनिफिट है कि ये स्पेस बहुत सेव करता है। माइक चेक। स्लाइडिंग में यही एडवांटेज है कि ये आपको स्पेस सेविंग बहुत करता है, और यही दरवाजा जो है अंदर की तरफ जो ओपन हो रहा है, देखिए अपना वॉश बेसिन तक, ये बिल्कुल स्लाइडिंग। चैनल इसका एक कंपोनेंट रहता है चैनल का, और दूसरा कंपोनेंट रहता है ये एक्सटेंशन करके ये फ्रेम को कैसे छुपाना है। अगर आप स्लाइडिंग चैनल कर रहे हैं तो ये अगर आपका नॉर्मल फ्रेम है तो ये आपको दिख जाएगा। अगर ये जो उनका जो दरवाजा एग्जिस्टिंग दरवाजा जो बैठ रहा है, ये देखिए, ये आपको निकाल के इसको फिलिंग में लेना पड़ेगा, तभी वो सक्सेसफुली नीट और क्लीन दिख जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आप हमने ये कंप्लीट किया है स्लाइडिंग जो दरवाज़ा है। खाली एक नीचे हम लोग का जो एक्सपोज जगह है वो हम लोग टाइल से भरने वाले हैं, लेकिन इनका जो एप्लीकेशन है कारपेंटरी का जो काम है वो हम लोगों ने फाइनल किया है। टाइलर तो हमारे पास अभी फ़िलहाल साइट पे नहीं है, लेकिन वो आके वो भी पट्टी भरने वाले हैं। लेकिन ये जो फिलिंग है, देखिए, इसको हम लोगों ने एक ही लेंथ पे कवर किया है लकड़ी भर के। इसका हम लोगों ने प्लाई का एप्लीकेशन नहीं किया है, इसमें फिलर लगा के ये ग्रूव में, पूरा ग्रूव में फिलर लगा के, ये देखिए सेट किया है। और हमने ये एग्जिस्टिंग दरवाज़ा जो है इसका एक्सटेंशन करके दो दो इंच का, हर एक साइड में दो दो इंच का, और ऊपर के साइड में भी दो इंच का एक्सटेंशन करके नीचे के साइड में भी उसको एक्सटेंड किया, फिर दरवाज़ा आपको फिर से आ जाता है। देखिए और आप इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो साइड में भी सॉफ्ट क्लोज रहता है,
और सॉफ्ट फ्लोज आगे की साइड में भी है, दो साइड के आपको सॉफ्ट फ्लोज मिलने देखने के लिए मिल जाता है। और पैनलिंग का काम अगर देखने के लिए आप जाते हो तो दो पैनल्स है, एक आप देखेंगे आप कोने में आपको देखने के लिए मिलेगा एकदम कोने में, ये देखिए इसके अंदर एक लकड़ी का पट्टा आता है, आप देखिए यहाँ से आपको दिख जाता है, देखने के लिए मिलता है लकड़ी का चैनल एक पट्टा है, और ऊपर से आप देखोगे ये देखिए ये हम लोगों ने चेन ये अपना 5 इंच का स्क्रू मार के इसको वॉल माउंटिंग पे लिया है, पहली चीज स्क्रू में। और दूसरा पैनल जो है वो ये पैनल लगाने के पहले लगाने के बाद ये जो अपना लकड़ी का पैनल है वो लगाने के बाद हमने उसका जो ट्रैक का चैनल है वो लगा दिया, ये देखिए उसके ऊपर लगा दिया। जो आप इसका थिकनेस देखने के लिए जाओगे तो हम लोगों ने 3 इंच का लिया है, तो इसमें आपने अगर 6 इंच का स्क्रू हम लोगों ने पकड़ा था इसमें, तो 3 इंच का लकड़ा है और 3 इंच का स्क्रू मारा है, तो 6 इंच में बिल्कुल मजबूत से उसको ग्रिप मिलता है पकड़ने के लिए। बाद में अपना जो ट्रैक है, ट्रैक लगाने के बाद हम लोगों ने एक पेलमेट लगाया हुआ है उसके ऊपर और उसको कवर किया है। पेलमेट लगाने से आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसका पूरा जो अंदर का चैनल है वो चिप जाता है, और उसका जो स्लाइडिंग है दो साइड का है, एक फ्रंट का साइड का है और एक बैक साइड का है, ये हो गया बैक साइड का स्लाइडिंग और ये हो गया आगे का स्लाइडिंग। ओके, दरवाजे के लिए ये देखिए जो नॉर्मल दरवाजा है हम लोगों ने करीबन उसको 2 इंच, यहाँ पे तो खाली 2 इंच का जगह मिल रहा है हम लोग को, क्योंकि इसका जो बेसिन काउंटर है वो बेसिन काउंटर आ रहा है बीच में, तो हम लोगों ने 2 इंच का लिया है। आप चाहिए तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे आप देखेंगे पीछे के साइड में हम लोगों ने करीबन उसको 3 इंच तक लिया है। और दूसरी बात है कि फिटिंग हेटी के जो चैनल है टॉपलाइन हेटी है, इसको आपको एक नीचे को जीरी भी मारना पड़ता है, देखिए स्टॉपर है जो दरवाजा को एकदम सेट कर लेता है, तो नीचे का जो अगर ये आप इसका एक स्टॉपर आता है हेटिक टॉपलाइन हेटी में, अगर वो आप लगाते नहीं हो तो ये नीचे का जो है हिल जाता है, तो स्टॉपर लगाने से क्या होता है कि ये एग्जैक्ट आपको पकड़ के रख देता है, तो ना ही ऊपर का ना ही का नीचे का हिल जाता है, एकदम फ्लश और फिटिंग में बैठ जाता है देखिए। और अगर आप स्लाइडिंग डोर बना रहे हैं, ये हम लोगों ने एग्जिस्टिंग डोर पे ही लिया है, एक कोट का पेंट चढ़ गया है, ये देख लीजिए हम लोगों ने एक्सटेंशन 4 इंच का लिया है, थोड़ा हल्का सा मार्किंग भी आपको दिख रहा है, वो भी हम लोग उसको मतलब और एक कोट करके उसको एक्सटेंशन में लगा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। और आपको ये जो उसका कंसील हैंडल है वो लगाना पड़ेगा दोनों साइड, देख लीजिए ये हमारा हो गया स्लाइडिंग दरवाजा। तो इस स्लाइडिंग डोर का मेन एप्लीकेशन जो है उसका चैनल का है, और ये स्लाइडिंग डोर बिठाने के लिए हम लोगों ने हेटिक का टॉप लाइन 80 का चैनल यूज किया है। ये टॉप लाइन 80 चैनल है अपना जो 6.5x3 दरवाजा का जो वेट कैपेसिटी है उसके लिए बहुत आइडियल है। अगर आप बड़ा दरवाजा यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो चौड़ा दरवाजा है, तो आपको वेट कैपेसिटी के हिसाब से वो चैनल लेना पड़ेगा। चैनल आप देखोगे तो उसके 2 स्टॉपर रहते हैं, देखिए इसमें आपको कोई फिटिंग इसके अंदर नहीं जाता है, इसका जो फिटिंग है टॉप डोर के ही ऊपर ही है, आपको अगर देखने के लिए मिल जाता है दोनों साइड में सॉफ्ट क्लोजिंग है, एक ये साइड में और एक ये साइड में। और ये जो फिटिंग है टॉप लाइन 80 का वो एक्सटर्नल फिटिंग है, वो मतलब इंटरनल इसको बिठाने के लिए ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डोर के टॉप में जो स्क्रू मारना पड़ता है वो मार के आपको वो चैनल लग सकता है। तो जो हेटिंग का जो टॉप लाइन 80 चैनल है 3 फिटिंग आ जाते हैं उसमें, एक हो गया उसका ट्रैक, मैं सजेस्ट करता हूँ आप ट्रैक हेटिंग का ही लेते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो
जो ट्रैक है देखिए वो स्पेशल ट्रैक है उसको लगाने के लिए। और सॉफ्ट क्लोज के दो साइड आते हैं, एक फ्रंट साइड के लिए एक बैक साइड के लिए। और लास्ट जो फिटिंग है उसका डो स्टॉपर जो है नीचे का, इसको आपको नीचे मारना पड़ेगा जमीन पे। देखिए ये देखिए स्टॉपर जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों इसी तरह से हम लोगों ने एक नॉर्मल दरवाजा जो पहले स्विंग डोर होता था हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करके एक बिल्कुल सीमलेस जो है स्लाइडिंग डोर में कन्वर्ट किया है। दोस्तों टॉप लाइन हेटिक जो हेटिक का जो चैनल सॉफ्ट क्लोज में है इसमें ये एडवांटेज है कि ये चैनल एकदम स्मूथ चलता है, ये कहाँ पे भी मतलब इसका जर्किंग एक्शन नहीं रहता है, एकदम स्मूथ चलता रहता है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो मैकेनिज़्म है वो आपको कारपेंट्री में लेस एफर्ट्स डालने पड़ते हैं क्योंकि इसमें आपको इनसाइड कटिंग नहीं है, ये एक्सटर्नल फिटिंग है अपना जो उसमें आता है अपना हेटिक टॉप लाइन हेटी में। तो जो ये चैनल है मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ लगाने के लिए, टॉप लाइन हेटी जो है बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। हाँ लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको ये जो इसका जो ट्रैक है आपको हेटिक का भी लेंगे तो बेहतर रहेगा।